हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के लेसन को टाइटल्ड वर्चुअली ट्रू, रिटन बाय पॉल स्टूअर्ट। लेट्स सी द स्टोरी नाउ। सेबेस्टियन शुल्ट। इट इज नॉट ए नेम यू कम अक्रॉस एवरी डे। सेबेस्टियन कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको तुम रोज सुनते या देखते हो। बट देयर इट वॉज, लेकिन ये नाम था। लार्ज, बड़ा बड़ा लिखा हुआ, एंड क्लियर और बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, एट द टॉप ऑफ द न्यूज़पेपर आर्टिकल, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के टॉप पर लिखा हुआ, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, नरेटर कहता है। द रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर, जो रीडर थी उस न्यूज़पेपर की, वॉज ए बिग वुमेन, एक बड़ी सी फैट सी वुमेन थी। आई कुडंट सी हर फेस, मैं उसके फेस को तो नहीं देख सकता था, बट आई कुड हेयर हर वीजी ब्रेथ, लेकिन मैं सुन सकता था उसके वीजी ब्रेथ को, जब वो सांस लेने की आवाज को, जो विस्लिंग साउंड आती थी उसको मैं सुन सकता था। मिरेकल रिकवरी, द हेडलाइन सेट, हेडलाइन में क्या लिखा हुआ था, मिरेकल रिकवरी। सेबेस्टियन शुल्ट, ए 14 ईयर ओल्ड स्कूल बॉय, सेबेस्टियन शुल्ट, जो एक 14 साल का स्कूल बॉय था, फ्रॉम साउथ लंदन से, अवोक यस्टरडे, वो कल जाग पड़ा था, फ्रॉम ए कोमा, कोमा से, दैट डॉक्टर फियर्ड, जो डॉक्टर्स को डर था, माइट लास्ट फॉर एवर, कि शायद वो हमेशा ही कोमा में रहे। इट कुडंट बी द सेबेस्टियन शुल्ट आई हैड मेट, ये वो सेबेस्टियन शुल्ट नहीं हो सकता जिससे मैं मिला था। आई लेंट फॉरवर्ड, जो नरेटर था वो थोड़ा आगे झुका, टू रीड द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल, जो बाकी बचा हुआ आर्टिकल था उसको पढ़ने के लिए। 6 weeks ago, 6 हफ्ते पहले, सेबेस्टियन शुल्ट वॉज बैडली इंजर्ड इन ए मोटरवे एक्सीडेंट। 6 हफ्ते पहले सेबेस्टियन बैडली, बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, घायल हो गया था एक मोटरवे एक्सीडेंट में। हिज कंडीशन ऑन अराइवल एट जनरल हॉस्पिटल, उसकी जो कंडीशन थी जब वो जनरल हॉस्पिटल में पहुंचा, वाज डिस्क्राइब्ड एज क्रिटिकल, उसे कहा गया इस उसकी जो कंडीशन थी बड़ी ही नाजुक थी, दो स्टेबल, हालांकि स्थिर थी। डिस्पाइट डॉक्टर्स होप्स, डॉक्टर की उम्मीद के बावजूद, द बॉय डिड नॉट रीगेन कॉन्शियसनेस, जो बॉय था उसको होश नहीं आया। हिज पेरेंट्स वर इन्फॉर्म, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया दैट देयर सन वॉज इन ए कोमा, कि उनका सन कोमा में था। एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस मिसेस शुल्ट सेड, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसेस शुल्ट, जो सेबेस्टियन के मदर थी, उन्होंने कहा था, द डॉक्टर्स वर डूइंग ऑल दे कुड, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे जितनी वो कर सकते थे, बट इन आर हार्ट्स वी न्यू, लेकिन अंदर से हमें पता था, वी नीडेड अ मिरेकल, कि हमें एक चमत्कार की जरूरत थी। नाउ दैट मिरेकल हैज हैपेंड, अब वो चमत्कार हो गया है। At the moment, the woman's hand moved. उसी समय क्या हुआ? वो woman जो newspaper को पढ़ रही थी, उसका हाथ move किया. I suddenly saw the photograph that went with the story. मैंने अचानक वो photograph को देख लिया जो उस story के साथ आई थी. And guessed, और मैं हैरान हो गया. The boy in the picture was Sebastian. जो boy था उस picture में, वो Sebastian ही था. There was no doubt. इसमें कोई doubt नहीं था, कोई शक नहीं था. बट हाउ, लेकिन कैसे, आई मटर्ड, मैं हल्के से बोला, धीरे से बोला, सेबेस्टियन शुल्ट, द बॉय आई हैड गॉट टू नो सो वेल रिसेंटली, सेबेस्टियन शुल्ट वो लड़का था जिससे मेरी पहचान अभी रिसेंटली ही हुई थी, हैड अपरेंटली बीन इन ए कोमा फॉर ऑल दैट टाइम, और जब उससे मेरी जान पहचान हुई थी उस समय वो कोमा में था। आई फेल्ट नर्वस एंड शिवरी, मैं नर्वस हो गया और मैं कांपने लगा। इट डिडंट मेक एनी सेंस एट ऑल, इसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। आई स्टेयर्ड आउट ऑफ द ट्रेन विंडो, मैं ट्रेन की विंडो से बाहर देखने लग गया। एंड रैन थ्रू द इवेंट्स इन माई हेड, और मेरे हेड में वो सारे इवेंट्स चलने लगे जो जो पहले हुए थे। इट ऑल स्टार्टेड अ मंथ एगो, ये सब शुरू हुआ था एक महीना पहले। डैड And I had spent the entire Saturday, Dad, और मैंने अपना पूरा Saturday afternoon
एट द कंप्यूटर फेयर, कहाँ बिताया था? एक कंप्यूटर फेयर में। डैड्स नटी अबाउट कंप्यूटर्स, जो डैड हैं वो बहुत क्रेजी हैं कंप्यूटर के बारे में। ही हैज गॉट ए पेंटियम 150 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर, उनके पास है पेंटियम 150 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर विद 256 ऑफ रैम, 256 रैम के साथ 1.2 GB हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें 1.2 GB हार्ड डिस्क ड्राइव है एंड 16 स्पीड सीडी रोम है, कंप्लीट विद स्पीकर्स। उसके साथ हमारे पास कंप्यूटर स्पीकर्स भी हैं, प्रिंटर भी है, मॉडम भी है एंड स्कैनर। इट कैन डू एनीथिंग, हमारा कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है, पेंट, प्ले म्यूजिक, म्यूजिक को प्ले कर सकता है, क्रिएट डिस्प्लेस, वो डिस्प्ले को क्रिएट कर सकता है। इवन व्हेन माय होमवर्क्स रबिश, इवन व्हेन जब मेरा होमवर्क का जो कचरा होता है, इट लुक्स फैंटेस्टिक, वो भी मुझे फैंटेस्टिक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट ऑफ ऑल आर द गेम्स, सब जो बेस्ट गेम है हमारे पास हैं, टॉर्नेडो, मीबा बैश, ब्लैक बेल्ट, कैरियंस कैसल, आई हैव प्लेड देम ऑल, मैंने ये सब गेम खेली हैं। विद द स्क्रीन सो बिग, जब स्क्रीन इतनी बड़ी होती है एंड द वॉल्यूम अप लाउड, और जो वॉल्यूम होता है बहुत लाउड होता है, इट ऑलमोस्ट फील्स, तब ऐसा लगता है एज इफ यू आर इनसाइड द गेम्स, कि जैसे कि तुम गेम के अंदर ही हो, बैटलिंग इट आउट विद जेड और बीस, ट्विस्टर और वट एवर, जैसे कि तुम बैटल कर रहे हो, फाइट कर रहे हो जेड के साथ, बी के साथ, ट्विस्टर के साथ और जो कोई भी हो। टेक्नोलॉजी वॉज एडवांसिंग एवरी डे, जो टेक्नोलॉजी है वो हर दिन एडवांस कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। एंड डैड कुडंट रेजिस्ट एनी ऑफ द न्यू गैजेट, और जो हमारे मेरे डैड हैं वो नहीं रेजिस्ट कर पाते, नहीं रोक पाते अपनी इच्छा को लेने के लिए, कोई भी नया गैजेट्स आता है, गिजमोस, कोई भी नई मशीन आती है जो टेक्नोलॉजी की, दैट केम ऑन द मार्केट, दैट वॉज वाई वी वेंट टू द कंप्यूटर फेयर, यही कारण था कि डैड और मैं कंप्यूटर फेयर पर गए। वी केम अवे विद ए वर्चुअल रियलिटी वाइजर, हम जब वहां से आए तो हम क्या लेकर आए साथ में, वर्चुअली रियलिटी वाइजर, जो एक वाइजर होता है, एक हेलमेट होता है गेम खेलने के लिए, हेलमेट टाइप होता है, एंड ग्लव, और ग्लव लेकर आए, एंड ए हैंडफुल ऑफ द लेटेस्ट इंटरैक्टिव साइको ड्राइव गेम्स, और कुछ लेटेस्ट जो इंटरैक्टिव साइको ड्राइव गेम्स थी, जो मेंटल के पावर से चलती हैं, वो वाली गेम लेकर आए, दे आर टेरिफिक, वो गेम बहुत ही अच्छी हैं। नॉट ओनली डू द वाइजर एंड ग्लव चेंज, सिर्फ यही नहीं, जो वाइजर और ग्लव हैं चेंज करते हैं व्हाट यू सी, जो तुम देखते हो, बट बेटर देन दैट, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा कर देते हैं। यू कैन कंट्रोल द एक्शन, तुम एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो बाय व्हाट यू आर थिंकिंग, अपनी सोच से, जो तुम सोच रहे होते हो उससे, वेल कूल, बहुत ही अच्छा है। व्हेन वी गॉट देम, जब हमें वो मिल गई, आई रिमेंबर सम ऑफ देम वर नॉट न्यू, उनमें से कुछ गेम्स न्यू नहीं थी। एनीवे बैक एट होम, घर पर, आई लॉन्च्ड माईसेल्फ ऑफ इनटू द फर्स्ट ऑफ द गेम्स, मैंने अपने आप को पहली गेम में लॉन्च कर दिया। इट वॉज कॉल्ड वाइल्ड वेस्ट, इस गेम का नाम था वाइल्ड वेस्ट। दैट्स वॉट आई लाइक अबाउट कंप्यूटर्स, यही चीज है जो मुझे कंप्यूटर के बारे में पसंद है। द मोर फ्यूचरिस्टिक द गेट, जितने एडवांस कंप्यूटर होते हैं, द बेटर यू कैन अंडरस्टैंड द पास्ट, उतने ही अच्छे तरीके से तुम पास्ट को समझ सकते हो। आई वॉज नॉट स्टैंडिंग इन द कन्वर्टेड लॉफ्ट, मैं अब किसी कन्वर्ट हुई हुई गैलरी में नहीं खड़ा था, द पावर बेस, मैं पावर बेस पर था, एज डैड कॉल्स इट, जैसा कि डैडी कहते हैं। आई वॉज रियली देयर, मैं रियली में वहीं था, स्ट्राइडिंग, मैं भाग रहा था, स्ट्राइडिंग डाउन द डस्टी ट्रैक, एक धूल मिट्टी वाले रास्ते से, थ्रू द सेंटर ऑफ द टाउन, टाउन के बिल्कुल सेंटर में, देर वॉज ए शेरिफ बैज पिन टू माई शर्ट, और एक शेरिफ का बैज मेरी शर्ट पर लगा हुआ था, पिन था, शेरिफ जो लॉ एनफोर्सिंग ऑफिसर होते हैं। एज आई बस्ट इन, जैसे ही मैं अंदर गया,
तो द स्विंग डोर, दोनों तरफ खुलने वाले डोर से ऑफ द सैलॉन, एक सैलॉन के, एक बार के, एवरीवन वेंट साइलेंट, हर कोई साइलेंट हो गया, चुप हो गया, एंड ग्लेयर एट मी, और मेरे को घूरने लग गए, मेरे को देखने लग गए. आई स्ट्रोड ओवर टू द बार, मैं सीधा तेजी से बार की तरफ गया. सर्स परेला, मैंने सर्स परेला ड्रिंक का एक ऑर्डर दिया, एंड ए ग्लास ऑफ फिजी रेड स्टफ, और एक ग्लास जो किस से फुल था, रेड कलर के स्टफ से, रेड कलर के ड्रिंक से, जिसके ऊपर गैस के बुलबुले बन रहे थे, केम स्लाइडिंग अलोंग द बार टूवर्ड्स मी, वो ग्लास स्लाइड करता हुआ मेरी तरफ आया. एज आई टुक ए सिप, जैसे ही मैंने एक सिप लिया, आई हर्ड ए लाउड क्रैश, मैंने एक तेज आवाज सुनी. आई स्पन राउंड, मैं घूमा. देयर सिल्वेटेड इन द डोरवे, मैंने डोरवे में खड़े हुए देखा, एक आकार को देखा, वो कौन था? ब्लैक आइड जेट. ब्लैक आइड जेट था द फास्टेस्ट गन इन द वेस्ट, जो वेस्ट में सबसे फास्ट शूटर था. This town is not big enough for both of us, Sheriff Dawson. उसने कहा, ये शहर इतना बड़ा नहीं है जिसमें हम दोनों रह सकें. He drawled, वो बोला, and fingered his gun lightly outside, और अपनी गन पर फिंगर चलाने लग गया, और उसने बोला, just you and me, सिर्फ तुम और मैं. I can remember grinning, मैं याद कर सकता हूँ उसकी हंसी को, उसके दांत दिख रहे थे. This was really cool, लेकिन ये cool था. I finished my drink, मैंने अपने ड्रिंक को फिनिश किया, and slammed the glass down, और ग्लास को पटका on the bar, बार पर. Jed had already left, Jed पहले से ही जा चुका था, वो सैलून को छोड़ चुका था. All eyes were on me again, सब मुझे ही देख रहे थे. I wondered what sort of score I was notching up, मैं ये भी सोच रहा था कि मुझे कितने स्कोर मिले होंगे. All at once, उसी समय क्या हुआ? Something strange happened, एक अजीब चीज हुई. Up to that point, उस पॉइंट तक, the game had been pretty much, गेम वैसी ही थी, as I expected, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी. But when the second sheriff appeared, लेकिन जब second sheriff वहां पर आ गया, through the back door, सैलून के back door से, shouting, चिल्लाते हुए, एंड वेविंग हिज आर्म, और अपनी बाजुओं को वेव करते हुए, हिलाते हुए, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट द गेम वॉज मोर कॉम्प्लिकेटेड, कि जो गेम थी बहुत ज्यादा जटिल थी, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी. डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, द सेकेंड शेरिफ शाउटेड, जो सेकेंड शेरिफ था वो चिल्लाया. एंड हु आर यू, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? He wasn't like the other character in the salon. वह सैलून में दूसरे करेक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं था. For a start, he was about my age. कहता वो लगभग मेरी एज का था. And though he looked like a computer image, हालांकि वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि कंप्यूटर इमेज जैसा, he somehow didn't move like one. लेकिन वो वैसे मूव नहीं कर रहा था, कंप्यूटर इमेज जैसे वो मूव नहीं कर रहा था. There is no time to explain, he shouted. वो चिल्लाया कि मेरे पास explain करने का time नहीं है. Just follow me. बस मुझे follow करो, मेरे पीछे आ जाओ. I did what I was told. मैंने वही किया जो मुझे बताया गया. We raced down a corridor. हम एक गलियारे में से, corridor में से भागे. And through a door, और एक door में से निकले. We ran past some men. हम कुछ men के आगे से निकले, उनको पीछे छोड़ते हुए. And out through another door, और एक और door में से निकले. Come on, shouted the other sheriff, जो दूसरा sheriff था, वो चिल्लाया, come on. We went on through another door, हम एक और door में से निकले, and another, और एक और door में से निकले, and ended up back in the salon, और वापस salon में पहुंच गए. No, screamed the second sheriff, जो second sheriff था, वो चिल्लाया, नहीं. Then he ran to the back of the salon, तो वो salon के बैक की तरफ भागा. एंड डाइव्ड, और उसने जंप लगा दिया थ्रू द विंडो, विंडो से. बाय द टाइम आई क्लाइम्ड आउट आफ्टर हिम, जिस टाइम तक मैं ऊपर चढ़ा उसके पीछे आया विंडो पर, ही वॉज ऑलरेडी सिटिंग ऑन ए हॉर्स, वो पहले से ही हॉर्स पर बैठा हुआ था. जंप अप, ही क्राइड, वो चिल्लाया, जंप लगा दो. ही किक्ड द हॉर्स, उसने हॉर्स को किक किया, पैर से मारा.
एंड वी स्पेड ऑफ, और हम तेजी से निकल पड़े इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, एक धूल मिट्टी के बादल में। धूल मिट्टी वहां पर बहुत उड़ रही थी। हु आर यू, आई आस्क्ड अगेन, मैंने उससे दोबारा पूछा कि तुम कौन हो। बट द सेकेंड शेरिफ डिड नॉट आंसर, लेकिन सेकेंड शेरिफ ने आंसर नहीं दिया। ही हैड सीन द पोजेज ऑफ मैन ऑन द हॉर्स बैक, उसने देख लिए थे हॉर्स बैक पर पीछा करते हुए आदमी स्पीडिंग आफ्टर अस, जो तेजी से हमारे पीछे आ रहे थे। कीप योर हेड डाउन, अपना सिर नीचे रखो, ही सेड, उसने कहा। एट दैट मोमेंट, उसी समय क्या हुआ, द साउंड ऑफ गन शॉट एकोड राउंड द एयर, जो गोली चलने की आवाज थी, गन चलने की आवाज थी, वो गूंजने लगी हवा में। द सेकेंड शेरिफ ग्रोन्ड, जो सेकेंड शेरिफ था वो दर्द से कराया, एंड स्लम बैक अगेंस्ट मी, और मेरे ऊपर पीछे होकर गिर पड़ा। अहेड ऑफ मी इन ब्राइट, और मेरे सामने ब्राइट नियोन लाइट, एक नियोन कलर की लाइट, केम ए मैसेज, मैसेज आया, गेम ओवर, मतलब गेम खत्म हो चुकी थी। आई स्लिप्ड ऑफ द वाइजर, मैंने अपने वाइजर को उतारा। द एम्प्टी डेजर्ट डिसअपियर्ड, जो एम्प्टी डेजर्ट था वो गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, एंड आई फाउंड माई सेल्फ बैक इन द पावर बेस, और मैंने अपने आप को दोबारा पावर बेस पर ही पाया। आई टुक ऑफ द ग्लव एंड हेडफोन्स, मैंने ग्लव को उतारा और हेडफोन्स को भी उतारा। आई ग्लैंस्ड एट द स्कोर ऑन द स्क्रीन, और मैंने स्क्रीन पर स्कोर को देखा, 21,095, ये मेरा स्कोर था। देन आई नोटिस द प्रिंटर हैड कम ऑन, तब मैंने नोटिस किया कि प्रिंटर अचानक चल पड़ा। आई पिक्ड अप द पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द ट्रे, मैंने पीस ऑफ पेपर को उठाया, उस कागज के टुकड़े को प्रिंटर की ट्रे से उठाया। एट द टॉप वॉज ए पिक्चर ऑफ द सेकेंड शेरिफ, उस कागज के टुकड़े पर के टॉप पर सेकेंड शेरिफ की पिक्चर थी। दिस टाइम दो ही वॉज वेयरिंग जीन्स एंड स्वेटशर्ट, इस बार उसने जीन्स और स्वेटशर्ट पहनी हुई थी। प्रिंटेड ओवर द बॉटम वॉज ए मैसेज, और उस पेज के बॉटम पर एक मैसेज था, आई एम स्टक, मैं स्टक हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, प्लीज हेल्प टू रिट्रीव मी, मुझे वापस आने में मदद करो, मुझे वापस लाने में मदद करो। ट्राई ड्रैगन क्वेस्ट सेबेस्टियन शुल्ट, कौन सी गेम ट्राई करो, ड्रैगन क्वेस्ट, और मैसेज किसने छोड़ा था, सेबेस्टियन शुल्ट्स ने। आई वॉन्टेड टू गो स्ट्रेट इन टू द गेम, मैं सीधा गेम खेलना चाहता था, ही हैड सजेस्टेड, जो उसने सजेस्ट की थी, बट इट वॉज ऑलरेडी हाफ एन आवर, लेकिन पहले से ही आधा घंटा हो चुका था, आफ्टर लाइट आउट्स, लाइट को बंद हुए हुए, लाइट्स को बंद हुए हुए आधा घंटा हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज अप एंड बैक ऑन द कंप्यूटर, अगली सुबह जब मैं उठा, मैं दोबारा कंप्यूटर पर चला गया, गेम खेलने के लिए चला गया। एंड वॉज सून वॉकिंग थ्रू, और मैं जल्दी किसमें से निकल रहा था, द मैसिव स्टडेड डोर्स, एक बड़े बड़े जड़े हुए डोर्स में से, ड्रैगन कैसल लेयर के, जो ड्रैगन कैसल था उसके लेयर के, लेयर मीन्स जो बिल होती है, छुपने की जगह होती है ड्रैगन के। द एम ऑफ द गेम वॉज सिंपल, जो एम था उस गेम का बिल्कुल सिंपल था, आई हैड टू रेस्क्यू द फेयर प्रिंसेस, मुझे एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस को बचाना था, अरोरा, जिसका नाम अरोरा था, फ्रॉम द विकेट ड्रैगन, उस बुरे ड्रैगन से, एंड कलेक्ट द विकेट क्रीचर्स ट्रेजर्स, और मुझे उस बुरे ड्रैगन के खजाने को भी इकट्ठा करना था अलोंग द वे, रास्ते में। आई हैड ऑलरेडी गॉट लॉट्स बाय द टाइम आई रीच द प्रिंसेस, जब मैं प्रिंसेस के पास पहुंचा, मैं ऑलरेडी बहुत सारा खजाना इकट्ठा कर चुका था। वो प्रिंसेस हु हैड बीन इम्प्रिजेंट, जिसे कैद किया गया था, एट द टॉप ऑफ ए टॉल टॉवर, एक लंबे से टॉवर के टॉप पर, शी वॉज ए यंग वुमेन विद लॉन्ग गोल्डन प्लेट्स, वो एक यंग वुमेन थी जिसकी लंबी लंबी गोल्ड कलर की चोटियां थी। माय हीरो शी स्किल्ड, मुझे देखकर वो खुशी से बोली, माय हीरो टेक मी अवे फ्रॉम ऑल दिस, मुझे इस सब इन सब से दूर ले चलो। बिहाइंड मी आई कुड हियर, अपने पीछे मैं सुन सकता था ड्रैगन की रोरिंग, ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज। रेस्क्यू मी नाउ द प्रिंसेस सेड अर्जेंटली, प्रिंसेस ने कहा मुझे बचाओ। नेवर माइंड हर, इसकी परवाह मत करो, केम ए वॉइस, एक आवाज आई, एंड ए सेकेंड नाइट, और जो सेकेंड नाइट था, योद्धा था,
अपीयर्ड फ्रॉम द वार्डरोब। वो अलमीरा से निकला। इट्स मी हु नीड्स रेस्क्यूइंग, ये मैं हूं जिसे बचाए जाने की जरूरत है, वो सेकेंड नाइट बोला। सेबेस्टियन आई सेड, मैंने कहा सेबेस्टियन। द सेकेंड नाइट नोडेड, जो सेकेंड नाइट था उसने नोड कर दिया, हामी भर दी। क्विक ही सेड, उसने कहा जल्दी करो। वाइल देर इज स्टिल टाइम, अभी भी थोड़ा टाइम है। एंड विद ए पेयर ऑफ सीजर्स, और उसने एक कैंची ली। ही चॉप्ड ऑफ द प्रिंसेस टू लॉन्ग प्लेट्स, उसने काट दिया उस प्रिंसेस की दो लंबी लंबी चोटियों को। देन ही टाइड देम टूगेदर, फिर उसने क्या किया, उन दो चोटियों को इकट्ठे बांध दिया। फिक्स्ड वन एंड राउंड द बेड पोस्ट, उसने एक किनारा बेड पोस्ट से चारपाई से बांधा। एंड थ्रू द अदर एंड, और जो दूसरा किनारा था, आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर फेंक दिया। नाउ, अब ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, एज ही लेफ्ट फॉर द विंडो, जैसे ही उसने विंडो पर जंप लगाई। एंड डाउन द हेयर रोप, और नीचे हो गया उस बालों से बनी हुई रस्सी को पकड़कर। एट दैट मोमेंट द ड्रैगन अपीयर्ड, उसी समय ड्रैगन अपीयर हो गया। आई गैस्प, मैं हाँफने लगा, मैं घबरा गया। एंड लेप टू, और मैंने भी जंप लगा दिया। एज आई लोअर्ड माई सेल्फ डाउन, जैसे ही मैं अपने आप को नीचे कर रहा था उस रस्सी के सहारे, आई फेल्ट द ड्रैगन्स फायरी ब्रेथ, मैं फील कर पा रहा था उस ड्रैगन की आग जैसी सांस को, ब्रेथ को। अक्रॉस द मूनलिट बैटलमेंट्स, एक चांद से जगमगाती हुई बैटलमेंट को पार करते हुए, खुली सी जगह को पार करते हुए, वी रैन डाउन ए स्पाइरल स्टेयरकेस, हम स्टेयरकेस पर पहुंचे, जो स्पाइरल की तरह बनी हुई थी सीढ़ियां, उस पे पहुंचे। एंड थ्रू ए सीक्रेट पैसेज, और एक सीक्रेट रास्ते से, ऑन द अदर साइड ऑफ ए टेपेस्ट्री, और दूसरी साइड के टेपेस्ट्री के दूसरी साइड पर गए। टेपेस्ट्री जो एक वॉल हैंगिंग होती है कपड़े की बनी हुई, उसके जब हम दूसरी तरफ गए। एंड द होल टाइम आई कुड हियर, और पूरा टाइम मैं सुन सकता था, और एंड फील, और फील कर सकता था, एंड इवन स्मेल, और इवन मैं स्मेल भी कर सकता था द ईविल ड्रैगन, उस बुरे ड्रैगन को, फॉलोइंग इन क्लोज परसुएट, वो बिल्कुल नज़दीकी से मेरा पीछा कर रहा था। द डंजन्स सर, सेबेस्टियन क्राइड आउट, सेबेस्टियन चिल्लाया, डंजन्स तहखाने, दे आर आवर ओनली होप, वही हमारी इकलौती उम्मीद हैं। वी वेंट डाउन द कोल्ड स्टोन स्टेप, हम नीचे उतरे ठंडे पत्थर के बने हुए स्टेप से, स्वॉर्ड ड्रॉन, तलवारें हमने खींची हुई थी। सडनली द ड्रैगन अपीयर्ड, अचानक वो जो ड्रैगन था अपीयर हो गया एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, उस गलियारे के एंड पर। बिफोर वी इवन हैड ए टाइम टू टर्न अराउंड, इससे पहले हम मुड़ पाते, द ड्रैगन वॉज अपॉन अस, ड्रैगन हमारे ऊपर था, उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। I swung my sword, मैंने अपनी तलवार को घुमाया, but it was no use, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। The dragon was only interested in Sebastian, जो dragon था वो सिर्फ Sebastian में ही interested था, and there was nothing I could do to prevent it getting him, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं कर सकता था उसको रोकने के लिए, किसको ऊपर अटैक करने से, Sebastian के ऊपर अटैक करने से मैं उसको नहीं रोक सका, और गेम वहीं पे ओवर हो गई। दिस टाइम द मैसेज इन द प्रिंटर सेड, जो मैसेज था प्रिंटर में उसमें क्या लिखा था, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, प्लीज डोंट गिव अप, प्लीज हिम्मत मत हारना, माइकल, माइकल जो नरेटर का नाम था, अदरवाइज आई विल हैव टू स्टे इन हेयर, नहीं तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। ट्राई जेल ब्रेक, इस बार कौन सी गेम ट्राई करो, जेल ब्रेक, आई थिंक इट माइट जस्ट वर्क, ये शायद काम करे। ये मैसेज किसने दिया था, सेबेस्टियन ने दिया था। आई डिडंट इवन बोदर टू रीड द रूल्स, मैंने रूल्स भी पढ़ने की परवाह नहीं की ऑफ जेल ब्रेक, उस गेम के जेल ब्रेक के, बिफोर गोइंग इन, इसको खेलने से पहले। आई न्यू दैट माई टास्क, मुझे पता था कि मेरा काम वुड बी टू रेस्क्यू द बॉय, एक बॉय को बचाना होगा। एंड श्योर इनफ, और पक्का था, माई सेलमेट, जो मेरा सेलमेट होगा, वॉज प्रिजनर, जो प्रिजनर नंबर क्या था, 02478, शुल्ट, सेबेस्टियन शुल्ट। आई हैव गॉट टू गेट आउट ऑफ हेयर, मुझे यहां से निकलना है, सेबेस्टियन साइड, सेबेस्टियन ने सांस भरते हुए कहा। आर यू गोइंग टू हेल्प, क्या तुम मेरी हेल्प करने वाले हो, ऑफ कोर्स आई सेड, मैंने कहा ऑफ कोर्स, हैव यू गॉट ए प्लान,
क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? स्टूपिड क्वेश्चन, स्टूपिड क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ ए स्केल्टन स्वाइप कार्ड हम किससे बाहर निकलेंगे? किसकी हेल्प से? स्केल्टन स्वाइप कार्ड से, जो एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसको स्वाइप करके हम बाहर निकलेंगे। वी वर सून आउट ऑफ द सेल, हम जल्दी ही उस सेल से, उस कोठरी से बाहर थे। एंड रेसिंग डाउन कॉरिडोर, और भाग रहे थे कॉरिडोर में, गलियारे में। सायरन्स वेल्ड, सायरन्स बजने लगे, जो सायरन थे जेल के वो बजने लगे। गार्ड डॉग हाउल्स, जो गार्ड के डॉग्स थे वो आवाजें करने लगे। हैवी बूट्स केम ट्रैम्पिंग, जो हैवी बूट्स थे आवाजें करते हुए हमारे पीछे आने लगे। बिहाइंड अस स्टील बार्ड, और हमारे पीछे स्टील की जो सलाखें थी, उस सलाखों वाले जो डोर थे स्लैम्ड शट, वो जोर से बंद होने लगे। वी डॉज द गार्ड्स, हमने गार्ड्स को चकमा दे दिया। वी फ्लेड द डॉग्स, हम डॉग से भी आगे भाग गए। वी मेड इट टू स्टेयर केस, हम सीढ़ियों की तरफ भागे। एंड पाउंडेड अपवर्ड्स, और जोर जोर से सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। ऑन द रूफ, छत पर सेबेस्टियन लुक्ड राउंड, सेबेस्टियन ने इधर उधर देखा। एंड ग्लेंस्ड एट हिज वॉच नर्वसली, और अपनी वॉच को घबराते हुए देखा। इट शुड बी हेयर बाय नाउ, उसे तो अब तक यहाँ होना चाहिए था। व्हाट, क्या? मैंने पूछा। दैट, वो, सेड सेबेस्टियन एंड पॉइंटेड, सेबेस्टियन ने कहा दैट, और उस तरफ इशारा किया। ए हेलीकॉप्टर, आई एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा हेलीकॉप्टर? दैट वॉज माई आइडिया, ये मेरा आइडिया था, सेड सेबेस्टियन एक्साइटेडली, एक्साइट होकर सेबेस्टियन ने कहा। इफ ओनली इट वुड गो ए बिट फास्टर, अगर ये थोड़ा फास्ट आए। एट दैट मोमेंट द डोर बिहाइंड अस बस्ट ओपन, उसी समय क्या हुआ, जोर से आवाज करते हुए हमारे पीछे डोर खुल गए। 12 गार्ड्स विद विशियस डॉग, 12 गार्ड्स और खतरनाक डेंजरस डॉग्स के साथ वर स्टैंडिंग देयर, वो वहां खड़े हुए थे। द नेक्स्ट इंस्टेंट द डॉग्स वर हर्टलिंग टूवर्ड्स अस, और अगले ही क्षण क्या हो रहा था, जो डॉग थे हमारी तरफ आ रहे थे। ऑल बियर्ड टीथ, सबके दांत दिखाई दे रहे थे, बियर्ड थे चमकते हुए। एंड ड्रिपिंग जॉ, और उनके जो जबड़े थे वो नीचे की तरफ ड्रिप थे, लटके हुए थे। आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ माई आई, अपनी आंखों के कोने से मैंने देखा। आई सॉ सेबेस्टियन टेक ए स्टेप बैकवर्ड, सेबेस्टियन ने एक कदम पीछे किया। मैंने कहा नो, आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन ये बहुत लेट हो गया था। द बॉय हैड स्लिप, जो बॉय था वो स्लिप हो गया था। एंड वॉज टम्बलिंग बैक, और गोते खाता हुआ। थ्रू द एयर, हवा में, डाउन टू द कंक्रीट बिलो, नीचे जाके कंक्रीट पर गिर गया, ईंट पत्थर पर जो बनी हुई फ्लोर होती है उस पर गिर गया। गेम ओवर, और वहीं पे वो गेम ओवर हो गई। एज आई रिमूव्ड माई वाइजर, जैसे ही मैंने अपने वाइजर को हटाया, आई लुक्ड इन द प्रिंटर ट्रे, मैंने प्रिंटर ट्रे में देखा। दिस टाइम इट वॉज एम्प्टी, इस बार वो खाली थी। आई फेल्ट रियली बैड, मुझे वाकई बहुत बुरा फील हुआ। आई हैड फेल्ड सेबेस्टियन, मैं सेबेस्टियन को बचाने में फेल हो गया था। आई हैड फेल्ड द गेम, मैं गेम में फेल हो गया था। इट वॉज ओनली लेटर, ये बाद में था। वेन द सीन्स बिगिन टू फेड इन माई मेमरी, वो जो सीन था मेरी मेमोरी से फेड होना शुरू हो गया, हटना शुरू हो गया। दैट इट अकर टू मी, मुझे एक बात सूझी, दैट सेबेस्टियन शुल्ट वॉज द गेम, सेबेस्टियन शुल्ट तो एक गेम ही था ना, वो एक गेम में ही था। स्ट्रेंजली, लेकिन अजीब बात थी, ऑल दो आई वेंट बैक टू वाइल्ड वेस्ट, हालांकि मैं वेंट बैक कहाँ पे गया वापस, वाइल्ड वेस्ट में गया था, ड्रैगन क्वेस्ट में गया था, जेल ब्रेक में गया था। आफ्टर दैट आई नेवर मेट अप विद सेबेस्टियन अगेन, मैं सेबेस्टियन के साथ दोबारा कभी भी नहीं मिला। देन यस्टरडे, तब कल क्या हुआ, आई हर्ड फ्रॉम सेबेस्टियन, मुझे सेबेस्टियन से मैंने कुछ सुना। इन द प्रिंटर ट्रे वॉज ए शीट ऑफ पेपर, मुझे क्या मैसेज था, प्रिंटर ट्रे में एक शीट ऑफ पेपर थी, और उसमें क्या मैसेज था, कैन वी हैव वन लास्ट ट्राई, क्या हम एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं, इट सेड, ये मैसेज में लिखा था। आई थिंक द हेलीकॉप्टर वॉज द राइट आइडिया, मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर सही आइडिया था, हेलीकॉप्टर सही आइडिया था। देर इज गुड टू बी सम काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट, कोई ना कोई एक्सीडेंट तो होना ही था। गो इन टू वॉर जोन, अब कौन सी गेम में जाओ, वॉर जोन में जाओ। इफ दिस डजेंट वर्क,
अगर ये गेम वर्क नहीं करती, आई वॉन्ट बॉदर यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा, सेबेस्टियन ने ये मैसेज छोड़ा था। आई कुडंट टेल विच वॉर जोन वी वर इन, मैं ये नहीं बता सकता हम किस वॉर जोन में थे, कहाँ पे कौन सी वॉर चल रही थी, हम कहाँ पे थे, मुझे पता नहीं था। इट वॉज ए सिटी समवेयर, ये सिटी थी, कोई शहर था कहीं। ऑल बिल्डिंग्स वर विंडोलेस एंड रिडल्ड विद होल्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, लॉन्ग बिल्डिंग्स थी, वो विंडो लेस थी, उन पर कोई विंडो नहीं थी, एंड रिडल्ड विद होल्स, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सुराख हो रखे थे। मशीन गन फायर रेट द स्काई, जो मशीन गन्स थी उनकी आवाज़ें आ रही थी आसमान में। वॉल्स टम्बल्ड, जो दीवारें थी वो गिर रही थी। बॉम्ब्स एक्सप्लोडेड, जो बॉम्ब थे वो एक्सप्लोड हो रहे थे, फट रहे थे। ऑल आई न्यू वॉज दैट सेबेस्टियन एंड आई हैड टू मेक इट टू दैट हेलीकॉप्टर, मुझे इतना ही पता था कि सेबेस्टियन और मुझे उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था इन वन पीस, सही सलामत। वी रैन अक्रॉस ए नो मैंस लैंड, हम वहां से भागे, कहाँ किसके बीच में से भागे, नो मैन लैंड, जहाँ कोई भी नहीं था, ऑफ रबल एंड स्मोक, जहाँ पे क्या था, मलबा था और धुआं था, उसके बीच में से हम भागे, डोजिंग चकमा देते हुए स्नाइपर फायर को, जो गोलियां चला रहे थे उनको। एट द फार एंड, और दूर किनारे में, वी वेंट थ्रू ए डोर इन ए वॉल, हम एक डोर में से निकले, जो एक वॉल में डोर लगा हुआ था उसमें से निकले। द हेलीकॉप्टर वॉज ऑन द ग्राउंड, जो हेलीकॉप्टर था वो ग्राउंड पर था, वेटिंग फॉर आवर अराइवल, जो इंतजार कर रहा था हमारे पहुंचने का। वी स्टार्टेड टू रन, हमने भागना शुरू कर दिया, बट द टैंक फायर सेंट अस, लेकिन जो टैंक की फायर थी उसने हमें भेज दिया स्कटलिंग बैक टू द वॉल, और हम वापस किसके पास आ गए, दीवार के पास आ गए। अजीब, सेबेस्टियन शाउटेड टू मी, सेबेस्टियन चिल्लाया, जीप, एंड नोडेड एट द व्हीकल, और व्हीकल की तरफ इशारा किया, पार्क बाय द रोड, जो रोड के पास पार्क हुई थी, जो रोड के पास जीप खड़ी हुई थी उस तरफ इशारा किया। ही जंप्ड इन, उसने जंप लगा दिया अंदर जीप के अंदर। टर्न द इग्निशन की को टर्न कर दिया, एंड इंजन चलने लगा। रेव द इंजन, जंप इन, अंदर जंप लगाओ। आई क्लाइम्ब इन टू द पैसेंजर सीट, मैं फटाफट जाकर पैसेंजर सीट में बैठ गया, एंड वी वर ऑफ, और हम वहां से ऑफ हो गए, वहां से चल पड़े। ए टैंक वॉज हर्टलिंग आफ्टर अस, लेकिन एक टैंक हमारे पीछे आ रहा था। सडनली सेबेस्टियन स्लैम्ड ऑन द ब्रेक्स, अचानक सेबेस्टियन ने जोर से ब्रेक लगाई, एंड सेंट द जीप स्किडिंग, और जो जीप थी स्किड करती हुई गई और घूम गई इनटू ए स्पिन, और स्पिन हो गई। आई लेफ्ट क्लियर, मैंने जंप लगा दिया, एंड जंप इनटू द हेलीकॉप्टर, मैंने हेलीकॉप्टर में जंप लगा दिया। द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड टू गो अपवर्ड, जो हेलीकॉप्टर था उसने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। आई लुक्ड अराउंड, मैंने इधर उधर देखा, सेबेस्टियन वॉज नॉट देयर, सेबेस्टियन वहां पर नहीं था। वेट, आई शाउटेड एट द पायलट, मैं पायलट से मैंने कहा, वेट, इंतजार करो। आई लुक बैक, मैंने पीछे देखा, द जीप हैड स्टॉप, जो जीप थी वो रुक चुकी थी, बट सेबेस्टियन हैड नॉट गॉट आउट, लेकिन सेबेस्टियन उस जीप से बाहर नहीं निकला था। कम ऑन, आई येल्ड, मैं चिल्लाया, कम ऑन, बट सेबेस्टियन वॉज सिटिंग, लेकिन सेबेस्टियन वहां बैठा हुआ था, एज इफ, मानो हिज बॉडी हैड बिन टर्न टू स्टोन, जैसे उसकी बॉडी पत्थर की बन गई हो। द टैंक क्रैश्ड इनटू द जीप, जो टैंक था उसने जोर से टक्कर मारी जीप में। सेबेस्टियन वॉज थ्रोन इनटू द एयर, जो सेबेस्टियन था वो हवा में फेंक दिया गया। राउंड एंड राउंड ही टम्बल्ड, गोल और गोल वो घूमे जा रहा था, राउंड एंड राउंड वो गोते खा रहा था। क्लोजर टू द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के बिल्कुल नजदीक, ही लैंडेड विद ए थड, वो गिरा वहां पर एक तेज आवाज के साथ, जस्ट बिलो द हैच, हैच के बिल्कुल नीचे। आई पुल्ड हिम अप, मैंने उसे खींच लिया, एज ही सेट डाउन बिसाइड मी, जैसे ही वो मेरे पास बैठा, द हेलीकॉप्टर सोर्ड इन टू द स्काई, जो हेलीकॉप्टर था वो ऊपर उठने लग गया आसमान की तरफ। आई हैड डन इट, मैंने ये कर दिया था। आई हैड रेस्क्यूड सेबेस्टियन एट लास्ट, आखिरकार मैंने सेबेस्टियन को बचा लिया था। बिफोर आई हैड ए चांस टू से एनीथिंग टू हिम, इससे पहले मुझे कोई चांस मिलता उससे कुछ कहने का, द हेलीकॉप्टर
फ्लू इनटू थिक क्लाउड, जो हेलीकॉप्टर था वो उड़कर एक घने बादल में चला गया। इट टर्न्ड एवरीथिंग ब्लाइंडिंग व्हाइट, हर चीज ब्लाइंडिंग व्हाइट हो गई। आई कुडंट सी ए थिंग, मैं एक चीज भी नहीं देख सका। अनटिल गेम ओवर फ्लैश्ड अप, जब तक कि सिग्नल नहीं आया गेम ओवर होने का। When I removed the visor, जब मैंने वाइजर को हटाया, the screen was flashing a score, जो स्क्रीन थी वो स्कोर को फ्लैश कर रही थी, और स्कोर कितना था? 40 millions. I had hit the jackpot, मैंने जैकपॉट को हिट कर दिया था। I had finally cracked the game, मैंने गेम को क्रैक कर लिया था। At least that was what I thought then, कम से कम उस समय तो मैंने यही सोचा। Now I knew that Sebastian Schultz, the boy, अब मैं ये जानता था कि सेबेस्टियन शुल्ट द बॉय फ्रॉम द गेम, जो गेम से था, रियली डिड एग्जिस्ट, वो रियली में वास्तव में एग्जिस्ट करता था। आई हैड सीन द प्रूफ, और मैंने ये प्रूफ देख लिया था इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में। बट हाउ, लेकिन कैसे? आई वंडर्ड, मैं सोचने लगा एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन, जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा। एट होम, घर जाकर आई चेक द नेट, मैंने नेट को चेक किया। आई वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट, मैं ज़्यादा जानना चाहता था। किसके बारे में? मिरेकल रिकवरी के बारे में, उस न्यूज़ के बारे में, मिरेकल रिकवरी की स्टोरी के बारे में जो न्यूज़पेपर में आई थी। आई फाउंड व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर क्विकली इनफ, जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था मुझे वो जल्दी ही न्यूज़ मिल गई। अपरेंटली एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, ऐसा लग रहा था कि जब एक्सीडेंट हुआ, सेबेस्टियन वॉज यूजिंग हिज लैपटॉप, उस समय सेबेस्टियन अपना लैपटॉप यूज कर रहा था टू प्ले, क्या खेलने के लिए, वन ऑफ द सेम साइको ड्राइव गेम्स, वही साइको ड्राइव गेम खेलते हुए दैट आई हैव गॉट, जो इस समय मेरे पास थी। माई हार्ट पाउंडेड फ्यूरियसली, मेरा जो दिल था जोर जोर से धड़कने लगा। वट इफ, बिकॉज सेबेस्टियन हैड बीन प्लग्ड इन टू द कंप्यूटर, क्योंकि जो सेबेस्टियन था वो किसमें प्लग था? कंप्यूटर में। व्हेन ही बैंग्ड हिज हेड, जब उसका सिर टकराया था इन द एक्सीडेंट में, द कंप्यूटर हैड सेव, जो कंप्यूटर था उसने सेव कर ली थी उसकी मेमोरी को, सेबेस्टियन की मेमोरी को, इन इट्स ओन, अपनी मेमोरी में, कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी में सेबेस्टियन की मेमोरी को सेव कर लिया था। एंड देन व्हाट इफ द वियर्ड वर्जन ऑफ द गेम्स, वो जो अजीब वर्जन थे जो गेम्स के, आई हैड बिन ड्रॉन इन टू, जिसके अंदर मैं ड्रॉ हो गया था, मैं अट्रैक्ट हो गया था, खिंच गया था, हैड ऑल बीन अटेम्प्ट, ये सब अटेम्प्ट्स थे टू रिट्रीव दैट मेमोरी, उस मेमोरी को वापस लाने के। तो मैं सोच रहा था क्या ये मेरे सारे अटेम्प्ट थे उसकी मेमोरी को वापस लाने के। आफ्टर ऑल डैड ऑलवेज सेज अबाउट द कंप्यूटर्स मेमोरी, मेरे डैड हमेशा कहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, इट कैन नेवर फॉरगेट, ये कभी भी भूल नहीं सकता माइकल, नथिंग एवर गेट्स लॉस्ट, कभी भी कोई चीज़ लॉस्ट नहीं होती। बट इवन इफ इट वॉज पॉसिबल, लेकिन अगर ये पॉसिबल भी था, संभव भी था, दैट सेबेस्टियन मेमोरी, जो सेबेस्टियन की मेमोरी थी, हैड बीन स्टोर्ड ऑन डिस्क, वो डिस्क में स्टोर हो गई थी, हाउ इट एंडेड अप ऑन माई कंप्यूटर, तो ये मेरे कंप्यूटर में एंड अप कैसे हुई, मेरे कंप्यूटर में कैसे पहुंची। स्क्रॉलिंग डाउन द आर्टिकल, उस आर्टिकल को जो मैंने स्क्रॉल डाउन किया नेट पर, आई फाउंड ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, मुझे एक संभव एक्सप्लेनेशन मिल गई। आंसरिंग ए रिपोर्टर्स क्वेश्चन, आंसर देते हुए एक रिपोर्टर के क्वेश्चन को, एज टू व्हाट द फैमिली वॉज गोइंग टू डू, कि फैमिली क्या करने जा रही थी नेक्स्ट, मिस्टर शुल्ट्स, जो सेबेस्टियन के फादर थे मिस्टर शुल्ट्स, सेड, उन्होंने कहा दैट दे वर ऑफ टू स्टॉक अप ऑन सम गेम्स, कि वो कुछ काफ़ी नई गेम्स खरीदने वाले थे। इट वॉज वाइल वी वर इन द हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में थे, समवन स्टोल द लोट, किसी ने उनकी गेम्स को चुरा लिया था। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू देम, मुझे नहीं पता उन गेम्स का क्या हुआ। आई सेड, माइकल ने कहा, मैंने चुपचाप कहा, दे एंडेड अप, कि वो गेम कहाँ पहुंची, एट द कंप्यूटर फेयर में पहुंची, एंड वी बोट देम, और हमने उन्हें खरीद लिया। आई लेफ्ट द नेट, मैंने नेट को छोड़ा, एंड चेक माई ईमेल, और अपने ईमेल को चेक किया, देयर वॉज वन फ्रॉम सेबेस्टियन, एक मेल सेबेस्टियन से थी। विद ट्रेम्बलिंग फिंगर्स, अपनी कांपती हुई उंगलियों के साथ, आई क्लिक्ड इन, मैंने क्लिक किया,
एंड रेड द मैसेज, और मैसेज को पढ़ा। डियर माइकल, उसमें लिखा था, डियर माइकल थैंक यू, आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट थैंक्स, लेकिन थैंक्स, यू सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरी लाइफ को बचा लिया, लेट्स मीट अप सून, आओ जल्दी हम मिलें, चीयर्स सेबेस्टियन, प्लीज कीप द गेम्स यू हैव अर्न्ड देम, वो गेम्स अपने पास ही रखना, तुमने उन्हें कमाया है। आई शुक माई हेड, मैंने अपने सिर को झटक दिया। ए रियल मैसेज, एक रियल मैसेज, असली का मैसेज फ्रॉम द रियल सेबेस्टियन शुल्ट्स, और असली के सेबेस्टियन शुल्ट्स से। वी बोथ न्यू, हम दोनों जानते थे दैट बाय रीलिविंग द एक्सीडेंट, कि उस एक्सीडेंट को दोबारा एक्सपीरियंस करके समथिंग वंडरफुल हैड हैपेंड, कोई वंडरफुल, कोई अच्छी ही चीज हुई थी। बट देन अगेन, लेकिन फिर दोबारा, नाउ दैट देर आर टू एडवांस, दो एडवांस्ड इंटेलिजेंसेस ऑन अर्थ, दो एडवांस इंटेलिजेंसेस अर्थ पर हैं, कंप्यूटर और इंसान। हु कैन से, कौन कह सकता है, व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। व्हाट आई नो इज दिस, जो मैं जानता हूँ वो ये है, एवरीथिंग दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड इज ट्रू, जो कुछ भी मैंने डिस्क्राइब किया है वो सच है, ट्रू है, लेकिन वर्चुअली, वर्चुअली ट्रू है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लेसन एंड होता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।